राजनीतिक संकट एक बार देश में दस्तक दे रहा है। इसके पहले आपने महाराष्ट्र में देखा था किस तरह महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया था। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के बाद गोवा में भी सियासी संकट के आसार दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना पर संकट था तो गोवा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस का विधायक दल टूट सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि गोवा में ऑपरेशन लोटस का शिकार कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस के 9 विधायक लापता बताए जा रहे हैं और उनके दिल्ली में होने की बात कही जा रही है। विपक्ष के नेता माइकल लोबो को पद से हटा दिया गया है, इसकी जानकारी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर दी है। गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश बुंडू राव ने दिगंबर कामत और माइकल लोबो को धोखेबाज बताया है। साथ ही नए नेता के चुनाव के लिए मुकुल वासनिक को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के शिंदे जैसे अन्य पार्टियों में भी कई शिंदे मौजूद हैं। मतलब कह सकते हैं कि पूरे देश में सियासी महाभारत आगे जारी रहने वाली है और बीजेपी के प्लान से विरोधी दंग हैं। गोवा में पॉलिटिकल क्राइसिस फिर से बढ़ गया है। इसके पहले भी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के दौरान झटका लग चुका है। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी तंज कस रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है बल्कि तानाशाही को मानती है। लोकतंत्र में बीजेपी को विश्वास नहीं है बल्कि षड्यंत्र में विश्वास है। लोगों को डराकर एकनाथ शिंदे पैदा कर रहे हैं जैसे कि तमाशा बना रखा हो। इसी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बता दूं कि पहले आप अपनी पार्टी में ध्यान दें, आपके पार्टी में भी कई शिंदे मौजूद हैं। गोवा में कांग्रेस पार्टी में हो रही अंतर कलह आगे राजनीति को किस मोड़ पे लाती है ये आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस की अगर बात करें तो देश में सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, जबकि महाराष्ट्र में सरकार के फेरबदल के बाद अब झारखंड और तमिलनाडु में ही वो राज्य बचे हैं जहां सत्ता में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी के रूप में है। कांग्रेस विधायक और गोवा विधानसभा में नेता विपक्ष माइकल लोबो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ है ही नहीं। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और किसी न किसी को अफवाह फैलानी है, इसीलिए फैला रहा है, जिसको लेकर मुझे कुछ नहीं बताया गया है। वैसे तो पार्टी के 7 विधायक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक एलेक्सो सिक्वेरा ने कहा, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, किसी और के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं लगातार हो रहे पार्टी के फेरबदल से यही साबित हो रहा है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा की तैयारियों में छूट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस की ओर तेजी से काम कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी कई और किले तबाह करने की ओर बढ़ रही है। विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करते हुए कई दिग्गज नेताओं को तोड़ा जाएगा। हम कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है।